नमस्कार। ये वीडियो हम बना रहे हैं जिस तरीके से आरक्षण पर लगातार कुठाराघात हो रहा है, पिछड़े दलित समाज के लोगों को पढ़े लिखे लोग या अपने आप को फॉरवर्ड कहे जाने वाले लोग जिस तरीके से दिमाग लगाकर हमारे आरक्षण को कागजी रूप से नहीं ख़त्म करना चाह रहे हैं, बस हमारे आरक्षण को नौकरियों में जाने से रोका जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे। ये मेरा एक स्वतंत्र विचार है। अभी आप लोग हाल फिलहाल में देख रहे होंगे कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। वो कैसे हुआ? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि ये जो ट्रिपल टेस्ट वाला मामला है इसको हम लोग पूरा करके तब किया जाए? सरकार को जाति जनगणना करा लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। सिर्फ और सिर्फ नगर निकाय चुनाव में ही आरक्षण नहीं ख़त्म किया जा रहा है। हम लोग लगातार 2 साल से ही सीको गार्डन में बैठे हैं और यही बात बार बार चाहे सरकार को हो चाहे विपक्ष को हो, सबको यही बात बता रहे हैं कि आपका आरक्षण खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है, आप स्वयं खतरे में हैं। लेकिन नहीं, किसी को नहीं सुनना है। आज 2 साल से हम लोग इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उससे पहले एक और, उसके बाद में एक और भर्ती हुई खंड शिक्षा अधिकारी की, उसमें भी रिजर्वेशन का स्कैम हुआ। चाहे 68,500 की भर्ती हुई उसमें भी हुआ, हर भर्तियों में हुआ। चाहे प्रोफेसर्स की भर्ती हुई गोरखपुर में हुआ, बांदा में हुआ, चित्रकूट में हुआ, तमाम जगहों पे रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, लेकिन कोई महानुभाव नहीं जागे। वही होता है ना कि जब अपने ऊपर पड़ता है तो सब ने, इन जो नेता हैं आज सो कॉल्ड हमारे समाज के अनुयायी बोलते हैं, हमारे समाज के मतलब लड़ाकू विमान इनको कह सकते हैं, जो कि समाज की लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग तब नहीं बोले क्योंकि तब इनके ऊपर कोई आँच नहीं थी। ये फर्स्ट क्लास चुनाव में आरक्षण पा रहे थे और अपना रोटी सेंक रहे थे, लेकिन आज जब इनके ऊपर आया तो सभी लोग आग बबूला हो गए, सड़कों पे खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, अखिलेश यादव जी भी पूर्ण माहौल बनाए, और उसमें भी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब इस आरक्षण को चैलेंज किया गया, जो नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को, तब ये लोग शांत रहे और ये देखते रहे कि एक माहौल देखो कि प्रदेश में पिछड़े मरे हैं कि जिंदा हैं, कि दलित मरे हैं कि जिंदा हैं, ये चेक करने का काम कर रहे थे ये लोग। इन्होंने जब आरक्षण की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी तो महान महानुभाव जज, आप भी जानते हैं कि हमारे जितने आदरणीय लोग जज साहब लोग हैं, सब लोग आरक्षण को कितना प्यार देते हैं, कितना मोहब्बत देते हैं, या आप लोगों से कोई बात छुपी नहीं है। और इस वीडियो को देखिएगा तो शेयर करिएगा। ये मेरे विचार हैं और विचार इस वजह से हैं कि हम लोग आरक्षण की वजह से ही जो मजबूत हुए हैं, जो लड़ना सीखे हैं सिर्फ आरक्षण की चोरी की वजह से। आज ही हमारा आरक्षण ना चुराते तो हम लोग ना लड़ते, और हम लोग बाबा साहब को ना जानते, बाबा साहब के बारे में ना पढ़ते, तो ये ना जान पाते कि हमें आरक्षण कितना ज़रूरी है और हमारी नौकरी हक अधिकार सब छीना जा रहा है। जब कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था तो देखिए बड़े शांति से सरकार पिछलग्गू बन के, तब क्या कोई जो इस समय सरकार में है तब उन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था क्या कि हमारा आरक्षण छीना जा रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन देखिए जैसे ही आदेश आता है तुरंत माननीय बृजेश पाठक जी हुए और हमारे पिछड़े समाज के बहुत बड़े हितैषी आपको दिखते हैं, है नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी हुए, ऐसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, भिड़ लेंगे,
मर जाएंगे लेकिन आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे, माननीय योगी जी ने भी कहा, तो क्या आपको न्याय केशव प्रसाद मौर्य दिलाएंगे? हालांकि अब इनको स्टूल मंत्री हम लोग नहीं कह सकते, अब थोड़ी बहुत हैसियत इनकी ठीक ठाक हो गई है चूंकि लोकसभा का चुनाव है, अगर इनको कोई स्टूल पे बैठाने की कोशिश करेगा तो नुकसान हो जाएगा। क्या ब्रजेश पाठक जी हमारा आरक्षण दिलाएंगे? जितिन प्रसाद जी, इन्होंने जितना प्रेशर क्रिएट करके कहा कि नहीं, मीना नगर निकाय चुनाव की चाहे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आंदोलन करना हो तो आंदोलन करेंगे, क्या ये लोग आपको दिलाएंगे? ये सवाल है आपके, मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये बात जरूर बताऊँगा कि हम लोग आज लगभग 490 दिन हो गए इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, और 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चाहे किसी पक्ष के नेता को से नहीं छुपा है, ना किसी विपक्ष के नेता से छुपा है, सब लोगों को ये पता है, चाहे तमाम पिछड़े दलितों के संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सबको पूरा मामला पता है, लेकिन कोई भी मुखर होकर इस पे बोलना नहीं चाहता। उस दिन हम लोग लगातार अखिलेश यादव जी के यहाँ अपनी आवाज़ पहुँचाते रहते हैं लेकिन कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता। उस दिन अपने से ही बता रहे हैं कि फलाने आरक्षण का घोटाला हुआ 69,000 में, ये है वो है। देखिए हमारी मांग और हम लोग चाहते इतना कि आप जागिए, आप छोटे छोटे मुद्दों पे जागिए, चाहे जो पक्ष में बैकवर्ड दलित के नेता हों, चाहे विपक्ष में बैकवर्ड दलित के नेता हों, वो जागिए, नहीं तो ये समझ लीजिए कि ये जो नगर निकाय चुनाव के आरक्षण वाले मामले से जनता सब जान गई है कि आप गीदड़ भपकी करते हैं, आप दिखावा करते हैं, आप हमारे साथ खड़े होने का दावा करते हैं लेकिन खड़े दिखते नहीं हैं। हम इस वजह से बता पा रहे हैं कि हम लोग पीड़ित रहे, हम लोगों ने लगभग 1.5 साल आंदोलन किया, 1.5 साल देखा, किसी ने कोई सहयोग नहीं किया, एक एक टाइम खाना खा करके लखनऊ में अपने ही साथियों से, पिछड़े दलित समाज के लोगों से गाली खा करके, पुलिस की लाठी खा करके हम लोगों ने संघर्ष किया। मुझे पता है कि आप लोग जो लोग या तो अच्छे पद पे हो गए हैं, नेता मंत्री विधायक हो गए हैं, आपको शर्म आती होगी अपने आप को पिछड़ा बोलने में, अपने आप को दलित बोलने में, अपने आप को ये कहने में कि नहीं मैं आरक्षण लेता हूँ, ये आपको लगता होगा नो डाउट, और लगना भी चाहिए, भाई आप सक्षम हैं, आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये पूरा समाज अभी सक्षम नहीं हुआ है। अभी ये पिछड़ा दलित समाज जो 90% हम कह सकते हैं कि हमारा गांव है, गरीब इलाका है, 10% लोग अमीर हैं इस दुनिया में, 10% में बहुत ज़्यादा कह दिया हूँ, 5% लोग हैं, वो सामान्य वाले बीच वालों का मत जोड़िए, वो भी अपने आप को उन अपर वालों से गरीब ही समझते हों, तो बहरहाल आप सभी लोगों को जो घर बैठे लोग हैं, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, जिनको हाँ कुछ लोगों को ख्वाब और सपने भी आते थे कि हमारी जो लड़ाई, हमारे फलाने कोर्ट हमें न्याय दे देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जो लूटे अधिकारी वो आपको एक समय न्याय दे रहे थे, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं उनसे आप अभी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट से अच्छा ऑर्डर आएगा और हमको ये सरकार हमें नियुक्ति दे देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने कमर की पेटी कस लीजिए, अपना बैग पैक कर लीजिए, तैयारी बना के रखिए। मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो लोग हमारे साथ संघर्ष किए हैं, हम लोगों के साथ लड़े हैं, उनको भी यही लगता है कि हाँ यार हमको अब कोर्ट से न्याय मिलेगा, जब मामला कोर्ट में है तो हम क्यों यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी सोच आपको मुबारक हो, फिलहाल हम सोच से पहले जागरूक थे, हैं और रहेंगे, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन को कभी कमज़ोर होने नहीं दिया, आंदोलन हमेशा जो जिस स्थिति से परिस्थिति से चल रहा था हम लोग लगातार वो करते रहे। मुझे पता है कि पिछड़ों का ये जिस समय जो माहौल बना है,
इस समय हमारा ऑर्डर आ जाएगा तो हम लोग बहुत जल्द प्रेशर क्रिएट करके नौकरी ले लेंगे। लेकिन फिर आप लोग क्या कहें कि समझदार हैं कि बेवकूफ़ हैं, आप लोग फिर कोर्ट की तरफ भागेंगे, कोर्ट को लुभावना दिखाएंगे कि अब यहाँ से नहीं यहाँ से न्याय मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बहरहाल मैं उस पर नहीं बोल रहा, वो संवैधानिक संस्था है, मैं वो एक न्याय जहाँ से लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को न्याय नहीं मिलता, वहाँ से न्याय मिलता भी है। लेकिन फिलहाल जिस मामले को लेकर हम आप लड़ रहे हैं वो न्याय सड़क से होकर, सदन से होकर और आवाज़ उठाकर ही मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, जिस तरीके से विपक्ष, जिस तरीके से पक्ष इस मुद्दे को, नगर निकाय चुनाव के मुद्दे को लिया, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब भी अपने मुद्दे को अपने विधायक सांसद सब तक पहुंचाइए और ये निवेदन करिए कि हमारे भी मुद्दे पर प्रखर होइए। ये आप ही के समाज का मामला है, आप ही के लोग यहाँ मर रहे हैं, आप ही के लोग यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।